त्योहारों के सीज़न में हम सब अपने घरों की साफ़ सफाई तो करते ही हैं, साथ में सजावट की कुछ खरीदारी तो कुछ DIY भी कर लेते हैं और अपने भगवान को वेलकम करते हैं। इस तरह से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है और निगेटिविटी थोड़ी दूर होती है। तो आज इसी से रिलेटेड मेरा DIY होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमसा हैंड टी लाइट कैंडल होल्डर्स। सबसे पहले A4 शीट पे हम इस तरह से हैंड अपना रख लेंगे और इसे थोड़ा इस तरह से करते हुए एक मार्किंग ले लेंगे, तो इससे हमें हाफ स्ट्रक्चर हमसा हैंड की मिल जाएगी। अब हम पेपर को डबल फोल्ड करते हुए इसे कट कर लेंगे, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और इसके बाद एक कार्डबोर्ड के ऊपर में हम इसे रख करके इसकी मार्किंग ले लेंगे और इसे भी शार्प कटिंग नाइफ के हेल्प से कट करके ले लेंगे। इस स्टेप को हम दो बार रिपीट करने वाले हैं, तो हमें दो हैंड्स चाहिए और एक के ऊपर में टी लाइट को रखते हुए मार्किंग ले लेंगे और इसे भी कट करके बीच से निकाल लेंगे। अब दोनों हैंड्स को हम पेस्ट कर लेते हैं फेविकॉल के हेल्प से और इस तरह से ये 1 इंच के आसपास की मोटी हमें मिल जाएगी, जिस तरह से एक वुडन स्ट्रक्चर में होती है। अब इसकी साइड्स में देखिए फ्रेंड कितनी होल्स बनी हुई हैं, तो इसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप की हेल्प ली है। यह समय भी कम लेती है और अच्छे से फिलिंग भी हो जाती है। वुडन अपीयरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून POP में 1 टेबल स्पून वाटर मिलाते हुए एक जैसो जैसा टेक्सचर क्रिएट कर लिया है और इसके ऊपर में बेस कोट लगा लिया है। इसकी सेकेंड लेयर भी मैंने यहाँ पे डाली है और इसमें कोई भी सैंडिंग नहीं की है। अब 3D कोल लाइनर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 ml पाउडर में 30 ml फेविकॉल मिला लिया है और एक यूनिफॉर्म पेस्ट क्रिएट कर लिया है। ये बहुत इजी है फ्रेंड, इजीली हम इसे घर में भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसमें कलर ऐड करने की इच्छा हो तो आप कोई भी कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारा कलरफुल 3D लाइनर्स घर में ही बन करके रेडी हो जाएगा। और इसमें लम्स बस नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी तरह से घुली रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी कोन से बाहर आने में थोड़ी सी परेशानी होगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की ही हेल्प से कोन्स बना लिया है और इसे सिक्योर कर लिया है सेलो टेप की हेल्प से। और टॉप की जो एक्स्ट्रा है उसे हम सीजर से कट करके रिमूव कर लेंगे और अपना 3D आउटलाइनर को फिल कर लेंगे इस कोन में और इसे भी सेलो टेप की हेल्प से हम सिक्योर कर लेंगे। अब ये रेडी हो चुकी है यूज़ करने के लिए, तो इसे हम साइड रख लेते हैं और जो बाकी की मिक्सचर बची हुई है इसे हम चॉक पेंट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इसी में वाटर ऐड कर दिया है और कलर ऐड करते हुए इसे मिक्स कर लिया है और डीप कलर का बेस कोट रेडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमसा हैंड ड्राई हो चुकी है उसके ऊपर हम इसे अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैट फिनिश वाली चॉक पेंट जैसी होती है मार्केट में वैसी ही बनी है और ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल मैट अपीयरेंस देने वाली है, तो ये बिल्कुल हमारा वुड जैसा टेक्सचर ही देने वाला है। तो फर्स्ट कोट ड्राई करते हुए मैंने इस पर सेकेंड कोट थोड़ी लाइटर शेड से ब्राउनिश कलर लेते हुए इसी में मिक्स कर लिया और किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्राउन पेंट का यूज़ किया है, एक वुडन में जिस तरह से लाइनिंग होती है कहीं कहीं पे उसे शो करने के लिए, और इसे ब्रश की हेल्प से किया है क्योंकि इसमें लंबाई में देखिए ये स्ट्रोक्स जिस तरह से है ये बिल्कुल वुड जैसा अपीयर कराती है। नेक्स्ट हम इसे ड्राई करके अब अपना 3D कॉर्नर टेस्ट कर लेते हैं कि हमें कितनी मोटी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये परफेक्ट है, तो अब हम इस पर अपने मन के मुताबिक डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं। हमसा हैंड मिडिल ईस्ट जोन की बहुत ही पुरानी, लगभग 2000 साल पुरानी गुड लक चार्म है जो हमें बैड एविल पावर से सुरक्षा देती है। और माना जाता है कि इसकी जो हाथ हैं ये भगवान के पाम की तरह हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को रोकती है और घर में सुख समृद्धि को वेलकम करती है। आजकल ये ज्वेलरी के रूप में, वॉल हैंगिंग्स के रूप में, टी लाइट होल्डर्स के रूप में
काफ़ी ट्रेंडिंग हैं और हर जगह इस्तेमाल किए जाने लगी हैं। आप भी इसे बनाइए फ्रेंड, और अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का आगमन कीजिए। मार्केट प्राइस अभी काफ़ी हाई है इसकी, इसीलिए मैंने घर में ही इसे बनाने की सोची और आपके साथ शेयर किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको तो पता ही है मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी मोटिवेट करती हो तो फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे की अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिले। 3D कोन लाइनर्स ड्राई होने में लगभग एक दिन का समय ले लेती है, चाहे वो आप खुद से बनाइए या फिर तो खरीदी हुई लाइए। वैसे मैंने सारे प्रोडक्ट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेक और परचेज दोनों कर सकते हैं। एवे लाई बना लेने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, बस अब हमें इसे ड्राई होने के लिए लगभग एक दिन के लिए छोड़ देना है। और मेरी बाकी की जो मिक्सचर बच गई थी उसके कारण मैंने यहाँ पे एक सेकेंड टी लाइट होल्डर भी बना लिया है। ये भी मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसे भी कट करके फटाफट से रेडी कर लिया है, और ये भी काफ़ी प्यारी सी बन करके रेडी हुई है फ्रेंड्स। लेट्स सी, ये अब कंप्लीट हो चुकी है, बस इसे ड्राई कर लेंगे हम और ये रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए। अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या आगे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी फेस्टिव सीज़न।